हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम विजन आईएएस के 7 मई वाले डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले एक छोटी सी जानकारी आपको दे दें कि ओनली आईएएस के जो एंशियंट हिस्ट्री वाले उड़ान बुकलेट रिवीजन सीरीज है उसे अपलोड कर दिया गया है। फुल वीडियो अपलोड कर दी गई है टोटल चैप्टर्स की, आप उसे अच्छे से रिवाइज कर सकते हो क्योंकि डिटेल से कवर अप करी गई है। अप्रोक्स 7 आवर और 8 आवर का वीडियो होगा जिसमें एक एक पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। एंड इफ यू हैव नॉट विजिटेड इट देन चेक इट एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एज वेल। सो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन। फर्स्ट टॉपिक आप देख सकते हो यूपीएससी से जुड़ा है एंड यूपीएससी के बारे में तो आप अच्छे से जानते ही होंगे। लेट्स टेस्ट। यूपीएससी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या फिर स्टेटूटरी, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। दूसरा, यूपीएससी के मेंबर्स को या चेयरमैन कह सकते हो उनको कौन अपॉइंट करता है, होम मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर या आपका प्रेसिडेंट, और रिमूव कौन करता है, ये 2-3 इन्फॉर्मेशन कमेंट सेक्शन में आप हमें बताइए। सो लेट्स बिगिन। यूपीएससी ने रिटर्न कर दिए हैं गवर्नमेंट लिस्ट को जो प्रोबेबल डीजीपी के बारे में दिए गए थे गवर्नमेंट की तरफ से। ऐसा इसलिए बिकॉज इस लिस्ट में 2 मोर को ऐड करने की बात करी जा रही थी, है ना। प्रोबेबल यानी कि जिन्हें बनाया जाए, है ना। एंड देख सकते हो ये पोस्ट कहाँ का खाली हुआ है, तो महाराष्ट्र राज्य डीजीपी यानी कि डायरेक्टोरेट या डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, है ना, यहाँ पर पोस्टिंग के लिए ये आपका लिस्ट लाया गया था। बट यूपीएससी ने रिटर्न कर दिया है गवर्नमेंट के रिकमेंडेशन को, वो इसीलिए बिकॉज इन्होंने कहा कि हमें 2 और चाहिए इस लिस्ट में, उसके बाद ही रिकमेंडेशन को प्रिफर किया जाएगा। और यूपीएससी ने एनुअल कन्फेडरेशन रिपोर्ट्स ऑफ ऑल द नॉमिनेटेड या फिर जो आपके रिकमेंडेड व्यक्ति है उनका मांगा है, अलोंग विद द डिटेल्स जो पेंडिंग इंक्वायरीज के हो सकते हैं अगेंस्ट द ऑफिसर्स। एंड 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट्स को रिफ्रेन कर दिया था, रिफ्रेन यानी कि रोक लगा दी थी फ्रॉम अपॉइंटिंग द डीजीपी। एंड ये कहा गया था कि सबसे पहले आपको यूपीएससी से कंसल्ट करना पड़ेगा, तभी आप अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हो। एंड कुछ गाइडलाइंस भी जारी किए थे, तो क्या गाइडलाइंस है आप देख लो। स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न्स हैव टू सेंड यूपीएससी द नेम्स ऑफ प्रोबेबल 3 मंथ बिफोर द इनकम्बेंट डीजीपीज आर टू रिटायर, यानी कि अगर कोई डीजीपी रिटायर होने वाली है तो रिटायर से 3 महीने पहले जो प्रोबेबल यानी कि भविष्य में जो बन सकते हैं उनके नाम रिकमेंड कर किसे भेजने होंगे, यूपीएससी को। कौन भेजेगा, स्टेट गवर्नमेंट, है ना। स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न हैज टू सेंड द यूपीएससी नेम्स ऑफ द प्रोबेबल ऑफिसर्स 3 मंथ बिफोर द इनकम्बेंट डीजीपी जो रिटायर होने वाले हैं। और जो यूपीएससी है उन्हें पैनल बनाना पड़ेगा 3 ऑफिसर्स का फिट टू बी डीजीपी, एंड आफ्टर गिविंग ड्यू वेटेज टू मेरिट एंड सीनियोरिटी। तो वेरियस कंक्लूजन होते हैं बेसिकली कि मेरिट देखी जाएगी, सीनियोरिटी देखी जाएगी, है ना, फॉर द पोस्ट ऑफ डीजीपी। एंड स्टेट्स हैव इमीडिएटली अपॉइंट वन ऑफ द पर्सन शॉर्टलिस्टेड बाय द यूपीएससी। तो यूपीएससी जो शॉर्टलिस्ट करेगा नाम को, उसमें से ही आपका 1 मेंबर चुना जाएगा फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ डीजीपी। एंड ऑब्जेक्टिव क्या है, तो आप देख लो, ऑब्जेक्टिव टू प्रोटेक्ट द पुलिस ऑफिसर्स फ्रॉम पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। आपको ही पता है कि जो हमारा संविधान है वो सेपरेशन ऑफ पावर की बात करता है, तो अगर पुलिस के अपॉइंटमेंट में या फिर पुलिस अथॉरिटी ऑफिसर्स के अपॉइंटमेंट में अगर एग्जीक्यूटिव का या पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रहता है तो कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी जो है उसकी इश्यू आ जाती है ना, फेवरेटिज्म वाली जो विचारधारा है वो हो सकती है। सो ऑब्जेक्टिव यही है कि जो पुलिस ऑफिसर्स हों उनको पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से अलग किया जाए, सो दैट फेवरेटिज्म या नेपोटिज्म वाली जो परंपरा है उन सब का चलन खत्म हो। इट ऑल्सो बिल्ड्स अप ऑन द 2006 जजमेंट, और 2006 जजमेंट को ही ये आपका ओवरलैप करता है। तो देख लो आप 2006 जजमेंट, पहली बात तो ये याद रखना कि पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर ये सब आपका स्टेट सब्जेक्ट है, और सुप्रीम कोर्ट इन प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006 लेड डाउन 7 मेजर गाइडलाइन फॉर रिफॉर्म्स इन द स्टेट पुलिस फोर्सेज। और कुछ रिफॉर्म्स की बात करी गई, देख लो, स्टेट सिक्योरिटी कमीशन
पॉलिसी मेकिंग के लिए कंस्टिट्यूट करने की बात कही गई, एलोंग विथ अपॉइंटिंग डीजीपी बेस्ड ऑन मेरिट, जिसमें मिनिमम टेन्यू 2 इयर्स तो हो ही हो, इसकी भी बात कही गई। सेपरेट पुलिस फंक्शंस ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड मेंटेनिंग द लॉ एंड ऑर्डर, तो देख लो है ना, तो पुलिस फंक्शंस जो इन्वेस्टिगेशन वाले होंगे उनको सेपरेट करो, और मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर वाली जो आपका सेगमेंट है उसे अलग करो, है ना। तो ये रिकमेंडेशन आपको पुलिस रिफॉर्म से लेकर अगर क्वेश्चन आते हैं तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो प्रीलिम्स के लिए मैंने आपको बताया पुलिस के बारे में, याद रखना पुलिस लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, और ये आपका मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है जो रिकमेंडेशन करी गई थी। और फिर आप हाँ ये याद रखना कि डीजीपी के अपॉइंटमेंट के लिए क्या प्रक्रिया है, क्या प्रोसेस है, कि आपका यूपीएससी को भेजा जाएगा, फिर यूपीएससी आपका पैनल बनाएगा 3 ऑफिसर्स का, है ना, उसके बाद रिकमेंडेशन आएगा, उसके बाद आपका स्टेट कंसर्न जो है वो आपका उसको अपॉइंट करते हैं। तो ये बातें हैं, है ना। सो लेट्स मूव टू द सेकंड आर्टिकल, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री फॉर्मुलेट्स स्पेशल खरीफ स्ट्रेटजी टू अटेन सेल्फ सफिशिएंसी इन प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस। तो पल्सेस के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, है ना, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है या इंपोर्टर है क्या है, क्योंकि राइस के ऊपर जब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तो पल्सेस के भी ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो लेट्स मूव टू द फर्दर डिटेल, तो की स्ट्रेटजी जो फॉर्मुलेट करी गई है तो देख ले, यूटिलाइजिंग ऑल द हाई यील्ड वेराइटीज ऑफ सीड्स, यानी कि जो भी हाई यील्ड वेराइटीज ऑफ सीड्स है उनको यूटिलाइज करते हुए फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, सो दैट एरिया अंडर द पल्सेस कल्टिवेशन बढ़ाया जाए थ्रू इंटरक्रॉपिंग एंड सोल क्रॉपिंग। एंड एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट APARI जिसको कहते हैं, कृषि विज्ञान केंद्र, इट विल बी रॉब्ड इन फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन एंड ट्रेनिंग टू द फार्मर्स, है ना। तो ये आपका क्या करेगा, है ना, ये आपका ट्रेनिंग देगा फार्मर्स को, साथ ही साथ ये जो आपका ऑब्जेक्टिव है उसे भी फुलफिल करने में मदद करेगा। तो पल्सेस इन इंडिया क्या स्टेटस है इसके बारे में जान लेना, भारत सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ये जरूर याद रखना, 25% ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन इंडिया ही प्रोड्यूस करता है इन द फील्ड ऑफ पल्सेस, और लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है, 27% ऑफ वर्ल्ड कंजम्पशन इंडिया ही करता है, लार्जेस्ट इम्पोर्टर भी है, ये भी याद रखना है। तो ये तीनों फैक्ट महत्वपूर्ण है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड लार्जेस्ट इम्पोर्टर, ये अच्छे से याद रख लेना, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पल्सेस कंट्रीब्यूट टू हेल्दी सॉइल्स एंड, है ना, पल्सेस में क्या होता है आपका लेगमिनस क्रॉप्स होते हैं, तो आपका नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया भी होता है, तो कहीं ना कहीं ये आपको एक्सेस फर्टिलाइजर्स के यूज को कम कर सकता है, बिकॉज हमें नाइट्रोजन अलग से डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, साथ ही साथ और कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं जो सॉइल्स को हेल्दी मेंटेन करते हैं, एज वेल एज क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, वो इसीलिए क्योंकि आपका क्या है, ये फर्टिलाइजर्स कम यूज होते हैं, फर्टिलाइजर्स कम यूज होते हैं तो जो आपका हार्मफुल केमिकल्स है या फिर ग्रीन हाउस गैसेस हैं उन सब का रिलीज जो है वो कम हो सकता है, क्योंकि आप इनडायरेक्टली समझो नाइट्रोजन जो प्रोड्यूस करी जाती है फर्टिलाइजर्स इन द कंपनी, तो कहीं ना कहीं वो प्रोडक्शन प्रोसेस में होती है, प्रोडक्शन प्रोसेस यानी कि आपका ग्रीन हाउस गैस इमिशन, तो इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली भी ये कम कर सकती है ग्रीन हाउस गैसेस को, है ना, एंड इनडायरेक्टली इट कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट इन कंट्रोलिंग द क्लाइमेट चेंज एज वेल। तो पल्सेस आपका लेग्यूम फैमिली का हिस्सा है, लेग्यूम फैमिली के बारे में हमने आपको बताया, इसमें आपका विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर्स, डायट्री प्रोटीन ये सब होती हैं, और पल्सेस जो है भारत में से रेसिडुअल क्रॉप माना जाता है, और इसे ग्रो किया जाता है रेनफेड कंडीशंस में, रेनफेड कंडीशन यानी कि ये जो पल्स वहां पर ग्रो किए जाते हैं जो डिपेंडेंट हो रेन के ऊपर, रेनफेड यानी कि रेन डिपेंडेंट रीजन, है ना, तो आप देख लो, तो आर ग्रोन अंडर द रेनफेड कंडीशन इन मार्जिनल या लेस फर्टाइल सॉइल, और बहुत ही कम ध्यान दिया जाता है पेस्ट या न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के ऊपर, तो एक प्रकार से साइड लाइन क्रॉप कह सकते हो कि मेजर क्रॉप आपका व्हीट, पैटी ये सब हो जाते हैं, और ये साइड लाइन में ये प्रोड्यूस करते हैं, फिर भी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, फिर भी लार्जेस्ट कंज्यूमर है, फिर भी लार्जेस्ट इम्पोर्टर भी है, एंड मेजर पल्स क्रॉप ऑफ द कंट्री, तो कुछ मेजर पल्सेस के नाम देख लो आप, रेड ग्राम या फिर पिजन पी जिसको तुर या अरहर भी कहते हैं, चिक पी या फिर ग्राम, ब्लैक ग्राम जिसको उरद बीन भी कहते हैं, ग्रीन ग्राम या फिर मूंग बीन भी कहते हैं, लेंटिल यानी कि मसूर, ये सब कुछ वेराइटीज है पल्सेस के, पिजन पी, चिक पी, ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम, ये याद रखना, कुछ कम से कम तो याद जरूर रखना, जैसे चिक पी याद रखना, पिजन पी याद रखना, क्योंकि ये कन्फ्यूजन होगा, लगेगा कि ये आपका पल्सेस की वेराइटी नहीं है, ये याद रखना। माइनर पल्सेस में आपका राजमा, अदर बीन्स भी आ जाते हैं, काउपी, हॉर्स ग्राम, मोठ एंड खेसारी दाल, ये सब कुछ है। तो स्टेप्स क्या क्या लिए गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से टू इंक्रीज द पल्स प्रोडक्शन, तो देख लो आप,
इंटीग्रेटेड स्कीम ऑफ ऑयल सीड पर्ल्स ऑयल पाम एंड मेज, यानी कि ISOPOM, ये है आपका जो 2004 से 5 से ही चल रहा है एंड इट हैज वर्कड अप टू 2013-14 एंड NFSM पल्सेस जो सब्ज्यूम कर दिए गए थे ISOPOM में एंड ये आपका कंपोनेंट है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन इसका सब कंपोनेंट कह सकते हो आपका NFSM पल्सेस, है ना, नाम से ही पता चल रहा है NFSM यानी कि नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन पल्सेस, तो ये सब कंपोनेंट ही है। एंड वी हैव द एक्सीलरेटेड पल्सेस प्रोडक्शन प्रोग्राम A3P एंड ये आपका पल्स डेवलपमेंट अंडर द NFSM पल्सेस एंड क्वालिटी सीड्स प्रदान करी जा रही है फार्मर्स को थ्रू क्रिएशन ऑफ पल्स सीड हब, ब्रीडर सीड प्रोडक्शन सेंटर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स को भी बूस्ट किया जा रहा है सो दैट वेराइटी ऑफ रिप्लेसमेंट एंड सीड रिप्लेसमेंट इंक्रीज किया जा सके। आप हमें बताइए सीड रिप्लेसमेंट का क्या मतलब होता है या सीड रिप्लेसमेंट रेशियो क्या इंडिकेट करता है। सो ये प्रीलिम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, कुछ वेराइटी जो पल्सेस आपको याद होने चाहिए एज वेल एज जो आपका मैंने आपको बताया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है एज वेल एज इम्पोर्टर है भारत, ये पता होना चाहिए। और बस कुछ स्कीम्स हैं लेकिन स्कीम्स में आपको उतने डिटेल में तो नहीं दिए गए हैं, आप याद रख सकते हो। एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल सोडियम बेंचमार्क फॉर डिफरेंट फूड कैटेगरीज। तो क्या न्यूज़ है, तो WHO ने ग्लोबल बेंचमार्क फॉर सोडियम लेवल्स उसे रिलीज किया है जो फूड में हो सकते हैं अक्रॉस द डिफरेंट फूड कैटेगरीज, है ना, कौन से फूड कैटेगरीज में कितना आपका सोडियम लेवल होगा उसका लिस्ट या उसका स्टैंडर्ड या बेंचमार्क उसे जारी किया है। एंड WHO रिकमेंडेड द डेली इनटेक ऑफ साल्ट और सोडियम वो आपका 5 ग्राम रखा गया, लेकिन मोस्ट पीपल अराउंड द वर्ल्ड कंज्यूम मोर देन डबल देन दिस अमाउंट, यानी कि मोर देन 10 ग्राम कंज्यूम करते हैं, जबकि स्टैंडर्ड क्या बोला जा रहा है WHO के द्वारा 5 ग्राम डेली इनटेक। एंड सोडियम की बात करें तो ये सोडियम नेसेसरी होते हैं टू मेंटेन द नॉर्मल सेल मेटाबॉलिज्म, हेल्दी प्लाज्मा एज वेल एज इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ द नर्वस सिस्टम। एंड ये नेचुरली रेंज ऑफ फूड्स में मिल जाते हैं, जैसे मीट है, डेयरी है, यहाँ मिल जाते हैं। हाउएवर ये आपका प्रेजेंट है वेरी हाई अमाउंट्स में इन द प्रोसेस्ड फूड लाइक स्नैक्स, ब्रीड या फिर कॉन्डिमेंट्स, ये सब में आपको मिल जाएंगे। एंड एक्सेस डाइट्री अगर सोडियम लिया जाता है, यानी कि अगर सोडियम का कंजम्पशन एक्सेस करोगे तो ब्लड प्रेशर एंड इट विल लीड टू इंक्रीज रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीजे। एंड ये भी एस्टिमेट किए जाते हैं कि 2.5 मिलियन डेथ्स जो है उससे प्रिवेंट किया जा सकता है ग्लोबल लेवल पर अगर साल्ट कंजम्पशन कट डाउन कर दिया जाए टू द रिकमेंडेड लेवल, कितना रिकमेंड किया गया 5 ग्राम, है ना। तो यू कैन टेक एडवाइस फ्रॉम हियर एज वेल, यू कैन ऑल्सो रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ साल्ट फ्रॉम योर डाइटरी इफ यू आर कंज्यूमिंग एक्सेस, होप यू आर नॉट। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, डाइटरी अप्रोचेज टू स्टॉप हाइपरटेंशन DASH। तो ये आपका ईटिंग प्लान है सो दैट हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जा सके। एंड DASH डाइट ये आपका एम्फेसाइज करता है ऑन द फूड्स जो सोडियम में लोअर हो, याद रखना नॉट हायर इन सोडियम बट लोअर इन सोडियम, एज वेल एज फूड्स जो रिच है पोटासियम में, मैग्नीशियम में, कैल्शियम में एंड न्यूट्रिएंट्स दैट हेल्प टू लोअर द ब्लड प्रेशर। तो ये आप डैश के बारे में पता होना चाहिए, डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन, ये आपका ईटिंग प्लान है जो लोअर या कंट्रोल करता है हाई ब्लड प्रेशर को। इसमें उन फूड्स को खाने की बात करी जाती है जो सोडियम का कंजम्पशन को लोअर करने का बात करता है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, मैंडेटरी ऑनलाइन सर्टिफिकेशन ऑफ डिसेबिलिटी थ्रू UDID पोर्टल। सो क्या न्यूज है, तो नोटिफिकेशन अंडर द राइट ऑफ पर्संस विथ डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 ये रिलीज की गई है, जिसके तहत जो भी स्टेट्स या यूटीज होंगी उनको मैंडेटरी किया गया है कि वो सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी ग्रांट करे थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली, और वो भी UDID के तहत। UDID यानी कि यूनिक डिसेबिलिटी ID, याद रखना है आपको। इसके तहत क्या बोली जा रही है, द स्टेट्स यानी कि ऑल द स्टेट्स या यूटीज जो ग्रांट करेंगे सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी को ओनली थ्रू द ऑनलाइन मोड यूजिंग UDID। एंड इससे होगा क्या, तो कंप्लीट डिजिटाइजेशन ऑफ सर्टिफिकेशन हो जाएंगे ऑफ द डिसेबल पर्सन टू अचीव द पैन इंडिया वैलिडिटी टू इंश्योर एक्सेस टू द गवर्नमेंट स्कीम, है ना। तो कोई भी गवर्नमेंट स्कीम चलेगी तो जो सर्टिफिकेट मांगे जाएंगे तो एक्सेस किया जा सकता है ऑनलाइन भी, तो ये ऑब्जेक्टिव है कहीं ना कहीं, है ना। तो
एंड अदर फैक्ट की बात करें तो इट इज इन लाइन विद द इनचेजन स्ट्रेटजी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज इन एशिया एंड पैसिफिक। तो ये जो आपका इनचेजन स्ट्रेटजी है ये किसके लिए है? पर्सन विद डिसेबिलिटीज इन एशिया एंड पैसिफिक, इससे भी आपका ओवरलैप करता है। एंड अदर गवर्नमेंट इनिशिएटिव जो पीडब्ल्यूडी के लिए लिए गए हैं तो देख लो एसेसिबल इंडिया कैंपेन, जिसके तहत बिल्डिंग्स या अदर इंफ्रास्ट्रक्चर इस वे में बनाए जाए जो डिजेबल्ड फ्रेंडली हो, है ना। जैसे आप मेट्रो में देखते हो दिल्ली मेट्रो में तो बहुत सारे सुविधा डिजेबल पर्सन को दिए जाते हैं, तो उस प्रकार से एज वेल एज असिस्टेंस टू डिजेबल पर्सन फॉर परचेजिंग या फिटिंग ऑफ एड्स एंड अप्लायंसेस, यानी कि ADIP, एंड ये आपका प्रोवाइड करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एड्स एंड असिस्टिव डिवाइसेस। एड्स एंड असिस्टिव डिवाइसेस यानी कि लेट्स से कि आपका जो वॉक पेडल हो गया, उस प्रकार से वो सब डिवाइसेस दिए जा सकते हैं, लेकिन इसके अपने अपने टर्म्स एंड कंडीशन है। एंड वी हैव द सुगम में पुस्तकालय और ये ऑनलाइन लाइब्रेरी है फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो उस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि ये रीड कर सकते हैं यहाँ पर। और रिजर्वेशन ये भी प्रदान करी जाती है टू द डिजेबल इन द हायर एजुकेशन, 4% रिजर्वेशन इन द गवर्नमेंट जॉब्स, ये अच्छे से याद रखना। एंड इंडिया सिग्नेटरी भी है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ पर्सन विद डिजेबिलिटी यानी कि UNCRPD, एंड डिक्लेरेशन ऑन द फुल पार्टिसिपेशन इन इक्वालिटी ऑफ पीपल विद डिजेबिलिटी इन एशिया पैसिफिक रीजन। एंड वी आर द बीवोको मिलेनियम फ्रेमवर्क, ये याद रखना, सिर्फ इतना याद रखना है, बीवोको मिलेनियम फ्रेमवर्क वॉज सीन रिसेंटली न्यूज, इट इज बेसिकली वर्क्स फॉर इंक्लूसिव बैरियर फ्री एंड राइट बेस्ड सोसाइटी, तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। सो प्रीलिम्स के लिए ये जरूर याद रखना है, मैंडेटरी ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कर दिया गया है ऑफ डिजेबल या ऑफ डिजेबिलिटी थ्रू द UDID पोर्टल, ये याद रखना है ना। और ये नोटिफिकेशन किसके तहत रिलीज किया गया है? राइट्स ऑफ पर्सन विद डिजेबिलिटी 2016 के तहत। एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, इंडियाज फिस्कल रेस्पॉन्स टू कोविड कंजर्वेटिव नीड लार्ज स्टिमुलस रिपोर्ट। तो भारत की जो फिस्कल रेस्पॉन्स है कोविड कंजर्वेटिव है एंड लार्ज स्टिमुलस की जरूरत है। तो ये जो रिपोर्ट है स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2021 वन ईयर ऑफ कोविड-19 अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के द्वारा रिलीज किया गया, क्या की फाइंडिंग है? तो ये जो इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है सेकेंड वेव का, ये लार्जर हो सकता है देन द फर्स्ट वन। और इम्पैक्ट किस पर? वर्क पर, इनकम्स पर, फूड सिक्योरिटी पर, हेल्थ एंड एजुकेशन पर। आप देख रहे किस प्रकार की स्थितियाँ चल रही है, है ना। एंड वेरियस स्टेट्स लॉकडाउन इनिशिएट कर रहे हैं एज वेल एज ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं है और कहीं ना कहीं क्राइसिस जो है वो उत्पन्न हो सकती है, चाहे वो वर्कर्स के लिए हो या फिर जो आपके जो भी है इनकम्स या फिर लाइवलीहुड ऑफ द पुअर पीपल, ये सब प्रभावित हो सकता है। एंड फेल्यू टू टेक एक्शन नाउ, यानी कि अगर अभी एक्शन नहीं लिया गया तो ये शॉर्ट टर्म हार्डशिप जो है वो कंटिन्यू करता रहेगा एंड ये चेंज भी हो सकता है लॉन्ग टर्म इफेक्ट में, है ना। तो यानी कि शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म हार्डशिप में चेंज हो सकता है, यानी कि जो भी वेलफेयर गेन्स किए गए अभी तक वो उसका नुकसान हो सकता है, पॉवर्टी इंक्रीज हो जाएंगी एज वेल एज लॉस ऑफ सेविंग क्योंकि खर्चे बहुत हो रहे हैं। एंड प्रोडक्टिव रिसोर्सेज कैन लीड टू पॉवर्टी ट्रैप एज वेल। क्या रिकमेंडेशन किए गए तो देख लो, 5.5 लाख करोड़ स्टिमुलस पैकेज ये आपका डील करेगा विद द क्राइसिस विच वुड कम्प्रोमाइज, देख लो, एक्सटेंड फ्री राशन अंडर द PTS एटलीस्ट टिल द एंड ऑफ 2021। तो देख लो ये आपका रिकमेंडेशन है ना। पहली बात तो ये बोला जा रहा है कि 5.5 लाख करोड़ स्टिमुलस पैक ये दिए जाए तो डील विद द क्राइसिस, जिसमें आपका फ्री राशन को एक्सटेंड किया जाए अंडर द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम या सिस्टम टिल द एंड ऑफ 2021, कैश ट्रांसफर ऑफ 5,000 रुपीज का फॉर 3 मंथ टू एज मेनी वल्नरेबल हाउसहोल्ड दैट कैन बी रीच्ड आउट। एक्सपेंशन ऑफ मनरेगा एंटाइटलमेंट टू 150 डेज भी बोला गया, ये सब आप यूज कर सकते हो मेंस आंसर राइटिंग में, है ना। सो देख सकते हो आप एक्सपेंशन ऑफ मनरेगा एंटाइटलमेंट टू 150 डेज, अभी क्या है 100 डेज, एंड रिवाइजिंग द प्रोग्राम वेजिटेबल, लॉन्च ए पायलट अर्बन एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम इन द वॉस्ट हिल डिस्ट्रिक्ट एंड इंक्रीजिंग द सेंट्रल कंट्रीब्यूशन ओल्ड एज पेंशन टू एटलीस्ट 500। तो ये भी बोला गया ओल्ड एज पेंशन के तहत जो सेंट्रल कंट्रीब्यूशन है उसे 500 कर दिया जाए। कोविड हार्डशिप अलाउंसेस ऑफ 5,000 पर मंथ 6 महीने के लिए आंगनवाड़ी एंड आशा वर्कर्स को दिए जाए, ये सब रिकमेंडेशन है। अब ये रिकमेंडेशन लागू होंगे, पालन किए जाएंगे या नहीं ये बाद में पता चलेगा, फिलहाल तो नहीं। सो लेट्स मूव टू द शॉर्ट न्यूज, डू स्टे बैंकिंग। तो ये आपका न्यूज में इसलिए रहा है बिकॉज पेंडेमिक ने जो हाल क्रिएट किए हैं, जो चैलेंज क्रिएट किया है, अब जो है पब्लिक सेक्टर बैंक्स एक साथ आए हैं कि वो नया कंपनी बनाएंगे सो दैट जो भी बैंकिंग सर्विसेज है जो वो प्रोवाइड करते हैं वो कस्टमर्स के डोर स्टेप पर प्रोवाइड करी जा सके। और ये जो नई कंपनी होगी ये आपका बैंकिंग करस्पोंडेंट्स के तहत इंगेज्ड होंगी अंडर कॉमन स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर
सो दैट फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज जो भी होंगी वो दी जाएंगी, वो भी डायरेक्टली टू द कस्टमर होम्स। एंड कैश विदड्रॉल इज द ओनली फाइनेंशियल सर्विसेज जो अभी प्रोवाइड की जा रही है, यानी कि कैश जो है वो प्रोवाइड करी जा सकती है टू द होम्स बाय दीज कॉरेस्पॉन्डेंट्स। एंड नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे चेक पिकअप हो गई, अकाउंट स्टेटमेंट हो गई, ये सब भी ऑफर करी जा रही है। एंड लंपी स्किन डिजीज की बात करें तो ये न्यूज में रहा है, तो लंपी स्किन डिजीज ये आपका पॉक्स वायरस के कारण होता है जो कैटल को अफेक्ट करता है, बफेलो को अफेक्ट करता है, और ये स्प्रीड हो रही है ब्लड ट्रांसमिशन के तहत जो मॉस्किटोज कर रही है, हाउस फ्लाइज या फिर लाइस कर रही है। ये जरूर याद रखना, लंपी स्किन डिजीज में ह्यूमंस आर नॉट एट द रिस्क ऑफ डेवलपिंग दिस डिजीज, ये जरूर याद रखना। लंपी स्किन डिजीज के तहत ह्यूमंस आर नॉट एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग एलएसडी। एंड ये जो डिजीज है इट हैज़ वेरियस इम्प्लीकेशन लाइक डिस्क्रीज मिल्क प्रोडक्शन, ये सब अगर किसी को हो गए यानी कि जो भी आपका कैटल्स है बफेलोज है तो मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाएंगी, सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक लॉस हो सकता है फार्मर्स को। एंड डिजीजेज करंटली हैज नो ट्रीटमेंट, तो ये भी आपको याद रखना है। एंड इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रिवेंशन ऑफ वैक्सीन, कि वैक्सीन ही दे दो ओनली इफेक्टिव मीन्स कह सकते हो टू कंट्रोल द स्प्रेड। एंड डब्ल्यू यानी कि वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ हैज डिक्लेयर्ड इट एज ए नोटिफाइबल डिजीज। एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, मिली सेकेंड पल्सर्स। तो बेसिकली ग्रुप ऑफ एस्ट्रोनोमर्स ने डिस्कवर किया है 8 मिली सेकेंड पल्सर्स जो लोकेटेड है विद इन द डेंस क्लस्टर ऑफ स्टार्स, है ना। आपको ही पता है स्टार्स आपके जो भी होते हैं उसके इर्द गिर्द क्लाउड्स होते हैं, काफी ज्यादा गैसियस क्लाउड्स होते हैं। एंड जो आपके स्टार्स हैं, स्टार्स के क्लस्टर्स, क्योंकि आपको पता है ना जैसे गैलेक्सी हो गई, गैलेक्सी के अंदर वेरियस स्टार्स होते हैं जो आपका क्लस्टर फॉर्म अकर करते हैं, तो वही बात है। इसे जो डिस्कवर किया गया है वो आपका डेंस क्लस्टर्स ऑफ स्टार्स में डिटेक्ट किया गया है जिसको ग्लोबलर क्लस्टर्स भी कहते हैं। और मिली सेकेंड पल्सर्स ये आपका मोस्ट रैपिडली रोटेटिंग न्यूट्रिनो स्टार कह सकते हो अभी तक के नॉलेज में जो मनुष्य को पता चला, ये याद रखना है। दो फैक्ट याद रखना कि ये जो आपका मिली सेकेंड पल्सर्स है ये मोस्ट रैपिडली रोटेटिंग न्यूट्रिनो स्टार है जो अभी तक मनुष्य को पता चला है। और ये मिलते कहाँ हैं, कहाँ मिले हैं, ये विद इन द डेंस क्लस्टर ऑफ स्टार जिसे ग्लोबुलर क्लस्टर कहते हैं, है ना। ये दो बातें याद रखना। तो देख लो लाइफ साइकिल ऑफ स्टार तो कैसे बनता है स्टार, तो नेबुलर प्रोसेस होती है जिसमें जो गैसेस क्लाउड्स होती है वो कंडेंस होती है, और उसी में अगर मैसिव स्टार हो गया तो वो आपका मैसिव स्टार बन जाएगा, यानी कि हैवी मासेस कंडेंसेशन। एंड जो लेस मासेस ओवरऑल नॉर्मल मासेस जो होती है वो आपका एवरेज स्टार बना देंगे। अगर मैसिव स्टार्स धीरे धीरे जब उसका लाइफ एंड होने लगता है तो वो रेड सुपर जियंट बन जाएंगे, लेकिन एवरेज स्टार का जो लाइफ एंड होगा तो वो रेड जियंट बन जाएंगे। तो देख लो साइज में आप देख सकते हो, उसके बाद डिस्ट्रक्शन होता है लाइफ एंड होने के बाद, तो सुपरनोवा एक्सप्लोजन होगा रेड सुपर जियंट का। और ये जो आपका रेड जियंट है ये प्लेनेटरी नेबुला यानी कि फिर से क्लाउड में बस्ट हो जाएंगी, और जो सेंटर वाला होगा क्लाउड स्टार का वो व्हाइट ड्वार्फ में तब्दील हो जाती है। और सुपरनोवा जब बनता है तो इससे दो चीजें बन सकती है, या तो न्यूट्रॉन स्टार या फिर ब्लैक होल, याद रखना। तो ये जो आपका ब्लैक होल होता है वो आपका स्टार मैसिव स्टार, मैसिव यानी कि हैवी मास वाले जो स्टार होते हैं यानी कि रेड सुपर जायंट, है ना, वो जब डिस्ट्रक्ट होते हैं तो ब्लैक होल बनाते हैं। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, हाई रेजोल्यूशन कंप्यूटर टोमोग्राफी HRCT। HRCT वो आपका वाइडली यूज टेक्निक कह सकते हैं टू इमेज वेरियस लंग्स पैथोलॉजी, ये आपका अभी न्यूज में आया था ना। एंड कंपेयर टू हेलिकल सीटी, ये जो आपका HRCT है नैरो बीम ऑफ कॉलिमेशन का इस्तेमाल करती है टू टेक द थिन स्लाइस इमेज ऑफ द लंग पैरेहेमा, और ये जो प्रोटोकॉल है एक्सट्रीमली हाई डेफिनेशन इमेज प्रोड्यूस करता है ऑफ द लंग्स एल्वियोली एयर वेज इंटरस्टियम एंड पल्मोनरी वास्कुलाइजेशन एंड एक्सपायरेशन इमेजेस में असिस्ट इन आइडेंटिफाइंग द एयर ट्रैपिंग इन पेशेंट्स विद लंग डिजीज, ये हो गई। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, अनामली टाइगर रिजर्व। और अनामली टाइगर रिजर्व की बात करें तो देख लो इसे कार्व आउट किए गए थे तमिलनाडु पोर्शंस ऑफ द अनामली, याद रखना है ना। ये जो टाइगर रिजर्व इसे कार्व आउट किए गए थे जो तमिलनाडु पोर्शन यानी तमिलनाडु में जो आपका अनामली वाला इलाका था, एरिया था, उसे कार्व कर बनाया गया। और ये आपका साउथ ऑफ पलक्कड़ गैप, है ना, पलक्कड़ गैप इज सिमिलरली जो नीलगिरीज होते हैं, नीलगिरी या वेस्टर्न घाट से, उसमें भी गैप आपको देखने को मिलेंगे, है ना, पारघाट भोरघाट कुछ ऐसे करके होते हैं। तो ये आपका पलक्कड़ गैप के साउथ में लाया करता है इन द सदर्न वेस्टर्न घाट, एंड जो रिजर्व है वो फॉल करता है विद इन द वेस्टर्न घाट माउंटेन चेन। एंड ये जरूर याद रखना है NMLI इज होम टू 6 डिफरेंट इंडिजीनियस पीपल, ये याद रखना है 6 डिफरेंट इंडिजीनियस पीपल कौन है, मलाई, मालसार्स, कदार, मालसार, मुदवन,
पुलयार एंड एरा वलार, ये जरूर याद रखना है। मलई, मलसार, कदार, मलसार, मुदवन एंड पुलयार एंड इरा वलार। एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, एनिमल्स इन न्यूज। तो व्हाइट एवलोन, तो ये आपको याद रखना है, व्हाइट एवलोन ये यूनिक शी स्नेल है एंड इनके जो फ्लेश है वो डेलिकेसी है एंड पॉलिश सेल इज प्राइज्ड एज मदर ऑफ प्योर। एंड ये थ्रेटेंड विद एक्सटेंशन कैटेगरी में है एंड हिस्टोरिकली आपको पैसिफिक ओशन में मिलते थे। होलोगिबन ये याद रखना है, स्टडी जो सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी के द्वारा की गई है, हैदराबाद में लोकेटेड है। तो साइंटिस्ट ने कहा है कि इंडिया हैज ओनली वेस्टर्न होलोगिबन, जो अनदर स्पीसीज है ईस्टर्न होलोगिबन ये आपका भारत में नहीं मिलता है। तो आपको याद रखना है ओनली वेस्टर्न होलोगिबन भारत में मिलता है, गलती से आप याद मत कर लेना कि ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों मिलते हैं, है ना। तो होलोगिबन्स ये आपका स्मॉल एप्स है एंड ओनली एप्स प्रेजेंट इन इंडिया, ये जरूर याद रखना है। होलोगिबन आर स्मॉल एप्स एंड ओनली एप्स जो प्रेजेंट इन इंडिया है, ये भी याद रखना। दे आर फाउंड इन अरुणाचल प्रदेश एंड असम, ये डिस्ट्रीब्यूशन भी याद रखना। आईयूसीएन रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड कैटेगरी में है, ये भी याद रखना। सो फ्रेंड्स, आज की न्यूज डिस्कशन यही समाप्त करते हैं। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच। अगर आपने ओनली आईएएस के जो रिविजन सीरीज वाले वीडियो थे नहीं देखे तो आप उसे प्लीज विजिट कर सकते हो और सब्सक्राइब भी कर सकते हो। Thanks friend, thank you very much.